जय मां भवानी, जय राजपूताना। सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 482वीं जयंती पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाई गई, उसके लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जो पृथ्वीराज सम्राट तो लगवाया गया है, पृथ्वीराज पिक्चर जो बनी है, पहले तो उसका पृथ्वीराज नाम रख रहे थे, बाद में आपत्ति करने पर सम्राट पृथ्वीराज जिस फिल्म का नाम रखा गया जो कल रिलीज हुई है। तो मैं मेरे देश के नौजवान साथियों को, मेरे देश के इतिहासकारों को और मेरे देश के क्षत्रिय भाइयों को बताना चाहता हूं कि इस पिक्चर के अंदर कोई भी एक भी सच्चाई पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर नहीं दिखाई गई। आप लोग जो जिस दृष्टि से इस पिक्चर को देख रहे हो, आपकी सोच ही गलत है। आप इस पिक्चर को यह देख रहे हो कि इस पिक्चर के अंदर पृथ्वीराज चौहान को राजपूत बताया गया या गुज्जर बताया गया, आप इस सोच से इस पिक्चर को देख रहे हो। विषय यह नहीं है कि पृथ्वीराज राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे या गुज्जर थे। बात इस बात का, सवाल इस बात का है कि जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध हराया, चलो 17 बार आप मत दिखाओ, 2 बार तो दिखाया आपने, पृथ्वीराज चौहान जी को इस पिक्चर के अंदर आशिक बना करके छोड़ दिया। अरे उनको आशिकी करनी होती ना तो वो युद्ध नहीं लड़ते, ऐसो आराम करते। अरे फिल्मी भांडो सुधर जाओ। इस फिल्म के डायरेक्टर कह रहे थे मैं राजस्थान की मिट्टी से आता हूं, सिरोही से आता हूं, ऊपर से ब्राह्मण हूं, मैं गलत नहीं दिखाऊंगा। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, इसमें सही क्या दिखाया है वो बता दो। मैं सभी देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ सब मिलकर के एक नारा लगाओ, राजा जय चंद अमर रहे, राजा जय चंद अमर रहे। राजा जयचंद गद्दार थे ही नहीं, इन राजनीतिक पार्टियों ने और इन फिल्मी भांडों ने उनको गद्दार बनाने का काम किया है। मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे क्या पृथ्वीराज चौहान ऐसे थे कि सागी भाई, सागी भाई की बेटी मतलब अपनी बेटी से विवाह करेंगे? शर्म करो भांडा, अरे तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें पैसे कमाने तो और बहुत मुद्दे